Hello children, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study class 5 English NCERT Gulliver's Travels. But before that, please like, subscribe, share my channel. Gulliver's Travels. गुलिवर कौन था? गुलिवर एक ट्रैवलर था. ट्रैवल मतलब कि यात्रा करना, और ट्रैवलर मतलब जो यात्रा करता है. तो गुलिवर एक ट्रैवलर था. बेसिकली ये जो था ना, ये जल यात्रा करता था, मतलब समुद्र के रास्ते अलग अलग जगहों को खोजता था. तो इसने जो इसकी स्टोरीज़ हैं, इसने 4 यात्राएं करी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हुई. और आपने लिलीपुट के बारे में पढ़ा होगा. इसी तरह से ये इसकी सेकेंड हम पढ़ने जा रहे हैं. ये वाली जो स्टोरी है, इसमें ये सेकेंड इसकी जो सेकेंड वॉयज था, इसकी ये सेकेंड यात्रा के बारे में बताया गया है, जहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े एकदम मॉन्स्टर तरह के, मतलब बहुत ही बड़े बड़े इनक्रेडिबली ह्यूज लोगों से मिलता है. ऐसे लैंड में जाके ये पहुँचता है, और हम इसकी स्टोरी को पढ़ेंगे. इसने गुलिवर बेसिकली एक सेलर था. सेलर मतलब नाविक, जो नाव चला के जाते हैं ना शिप को, उनको कहते हैं सेलर. ओके, अब जो बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी मतलब कि किसी के बारे में अगर हमने पढ़ा है, और किसी ने अपने बारे में कहीं से कुछ बोलना है, या फिर वो हो गई उसकी बायोग्राफी. बट अगर कोई खुद से अपनी अपनी जो जैसे लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करके उसको कहीं लिखता है, तो उसको कहते हैं हम ऑटोबायोग्राफी. मतलब खुद से अपनी बायोग्राफी लिखने को कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. और अगर कोई और हमारी लिख देता है, उसको जनरली बायोग्राफी ही कहते हैं. तो इसमें जो सेलर गुलिवर होता है, उसने एक ऐसे लैंड के बारे में बात करी, जैसे हमने पढ़ा जो लैंड ऑफ जायंट्स है. जायंट्स मतलब जहाँ बहुत बहुत बड़े लोग रहते हैं, मतलब एकदम अनयूजुअल ग्रेट साइज़ के होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, सुपर ह्यूमन टाइप के होते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग जनरली हमारी हाइट 5 फीट 10 तक 6 फीट तक ऐसे 6.5 कहीं कहीं पर भी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है ना, मोस्टली इतनी ही होती है. बट जो ये जायंट्स हैं, ये बहुत बहुत बड़े बड़े एकदम मॉन्स्टर टाइप के लोग होते हैं. वहाँ की एक ऐसे लैंड की वो बात कर रहा है जहाँ पे इस तरह के लोग थे. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस. इस तरह से उसने स्टोरी में अपने उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया है. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना. ओके, ऑन 16th June of 1730 वी डिस्कवर्ड अ लैंड. 16th June 1730 में हमने एक लैंड डिस्कवर किया. डिस्कवर मतलब ढूंढ निकाला. ओके, आर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर इफ एनी कुड बी फाउंड. हमारा जो कैप्टन था, कैप्टन मतलब जो शिप को जो चलाता है ना, मतलब उसको कहते हैं कैप्टन, जो शिप चला रहा होता है. उसने 12 करीब डजन मैन मीन्स 12 लोगों को कहाँ भेजा? वाटर की तलाश में भेजा, बड़े बड़े बर्तनों के साथ. विद वेसल्स फॉर वाटर, वेसल्स मतलब बर्तन. इफ़ एनी कुड बी फाउंड, क्या पता किसी को वाटर मिल जाए. ओके, व्हेन वी केम टू लैंड वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स. जब हम लैंड पे पहुँचे थे, तब हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, कोई रिवर नहीं मिली, कोई भी इनहेबिटेंट्स. मतलब क्या होते हैं, जो जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं अर्थ पे, तो हम लोग यहाँ के क्या हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, है ना, हैबिटेंट्स हैं. तो हमने वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं देखा. उस लैंड पे ना कोई रिवर थी, ना कहीं पानी था, ना लोग थे, तो उस लैंड पे कुछ भी नहीं था. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने पहुँच गया. ठीक है, मतलब कि गुलिवर तो ट्रैवलर था, तो उसको तो अलग अलग जगह देखने में मज़ा आता था. तो वहाँ पे वो उसको देखने पहुँचा उस जगह को. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. जो कंट्री थी वो बैरन मतलब होता है एकदम बंजर थी, रॉकी मतलब पथरीली पथरीली थी, जैसे मिट्टी होती है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे मिट्टी कैसी थी, एकदम बंजर ज़मीन जहाँ पे कुछ भी नहीं उग सकता. ओके, और रॉकी मतलब कि एकदम पत्थर पथरीली सी भी थी. आई टर्न बैक टू जॉइन द क्र्यू ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, आई टर्न बैक टू जॉइन द क्र्यू, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा अपने ग्रुप को देखा, और मैंने वहाँ क्या देखा कि वो सब लोग क्या कर रहे हैं, बोट की तरफ भाग रहे हैं और अपनी जान बचा रहे हैं. ठीक है, एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप, अपनी जान बचाने के लिए अपने शिप की तरफ वो लोग भाग रहे हैं. ओके, बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्वड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ई कुड. और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता, मैंने देखा, ऑब्जर्व मतलब वहाँ पर खड़े होकर देखा मैंने कि एक ह्यूज क्रिएचर, ह्यूज मतलब एकदम विशाल काय, और क्रिएचर मतलब कि ऐसा क्रिएचर मतलब कोई
चीज़ देखी मैंने वहाँ पे, ठीक है, कोई भी मतलब कुछ एक ऐसा व्यक्ति देखा जो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था, ऐसा भी कुछ होता है। मतलब एक नॉन ह्यूमन टाइप की चीज़ है, जैसे ह्यूमन मतलब कि हम लोग जनरली लोग होते हैं ना, जैसे ह्यूमन होगा या एनिमल होगा या ऐसी चीज़ होगी जो देखी हुई होगी। ह्यूज क्रिएचर मतलब ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ही नॉन ह्यूमन है, मतलब जो उसने कभी देखी ही नहीं, ठीक है। ऐसा कोई क्रिएचर उसने देखा, उसने क्या देखा उस क्रिएचर को, कि वो चल रहा है वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, और वो उन लोगों के पीछे जो जैसे जो शिप में जो लोग जा रहे थे उन लोगों के पीछे जल्दी 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 चल रहा है, इतनी तेज़ चल रहा है कि इतनी ज़्यादा तेज़ वो चल सकता है। द वॉटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज़, जो ओशन का जो पानी था वो सिर्फ उसके नीज़ तक आ पा रहा है, नीज़ मतलब घुटनों तक ही आ पा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। तो सोचो वो कितना ज़्यादा बड़ा क्रिएचर होगा कि ओशन का वाटर सिर्फ उसके नीज़ तक आ रहा है। हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, जबकि वो जो मॉन्स्टर था, मॉन्स्टर मतलब वो बड़ा सा जो क्रिएचर था उसी को यहाँ पे मॉन्स्टर बोला गया है, वो उस स्पीडिंग बोट मतलब जो बोट इतनी ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी उसको नहीं पकड़ पाया, अनेबल मतलब नहीं कर पाया ओवरटेक, उस बोट को नहीं पकड़ पाया, ठीक है। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइंब्ड अप अ स्टीप हिल विद फील्ड्स ऑफ बार्ले ऑन ईदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 feet। There was a fence to pass from one field to another field. और मैं जल्दी से पीछे मुड़ा, आई टर्न बैक क्विकली और चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया, एक स्टीप हिल मतलब एक ऊँची सी पहाड़ी थी, वो उस पहाड़ी में क्या था, फील्ड खेत थे किसके, बाले के दोनों साइड में, और कॉर्न था, ठीक है, मक्का मतलब कॉर्न मतलब मक्का था, जो कि बहुत 40 feet ऊँचा जो खेत थे, ठीक है, मक्के के बाले के। देर वॉज़ अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर फील्ड, और फेंसिंग भी थी। फेंसिंग मतलब क्या होता है, जैसे अगर किसी का कोई खेत होता है, आपने देखा होगा उसमें ना लोग आसपास में जो बाउंड्री बना देते हैं वायर से, ठीक है, तो इसमें इसलिए बना देते हैं जैसे कोई जानवर ना आ जाए अंदर, तो वो उन जो फील्ड्स थी, फील्ड मतलब खेत थे, उसमें आसपास जो फेंस थी, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाने के लिए भी फीस थी, फेंस। अब क्या है, गुलिवर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से कैसे भी छुप जाऊँ या कहीं पे भी उसके ऊपर चढ़ जाऊँ पहाड़ी पे, या कोई मुझे देख ना पाए। इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet हाई, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, इम्पॉसिबल एकदम नामुमकिन जितना हो रहा था कि क्लाइंब मतलब चढ़ पाऊँ मैं, क्योंकि जो एक स्टेप था वो 6 feet हाई था, जितनी तो जनरली यहाँ पे लोगों की हाइट होती है, तो उतना बड़ा तो एक स्टेप था, स्टेप मतलब एक। I was trying to find a gap in the hedge. मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे हेज मतलब एक कोना मिल जाए, कोई भी एक कोना जिसमें से मुझे थोड़ा सा भी गैप मिल जाए, मैं वहाँ से निकल जाऊँ उस फील्ड से। When I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the friends, तभी मैंने क्या देखा कि कोई एक इनहैबिटेंट मतलब जो वहाँ पे जो परमानेंट रहता था ना, इनहैबिटेंट हम बच्चों के जो परमानेंट निवासी होते हैं मतलब मूल निवासी, वहाँ पे उसने देखा कि एक आदमी एक फेंस की तरफ आ रहा है। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, और उसका भी साइज बिल्कुल सेम था, ही वॉज ऑफ द सेम साइज, बिल्कुल सेम साइज का था जितना कि उस क्रिएचर का था जो कि बोट को चेज कर रहा था, चेज मतलब कि उसका पीछा कर रहा था। I was struck with the utmost fear and astonishment and ran to hide myself. और मैं एकदम अटक गया, struck मतलब अटक गया, किस चीज़ में अटक गया, डर में, और एकदम astonishment मतलब एकदम अचंभी वाली चीज़, astonishment मतलब होता है आप किसी चीज़ को देख के एकदम चौंक जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं astonishment, okay? तो वहाँ पे वो देख के बिल्कुल चौंक जाता है और इन दोनों चीज़ों में अटक जाता है कि मैं क्या करूँ। मैं वो डर भी बहुत रहा था और वो चौंक भी रहा था, ठीक है, मतलब एस्टोनिश मतलब सरप्राइज भी हो रहा था कि वो कैसे अपने आप को हाइड मतलब छुपाए अपने आप को। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट, ही कॉल्ड इन अ वॉइस, और उसने एकदम इतनी तेज़ अपनी वॉइस निकाली जो कि ट्रम्पेट जो होता है ना, ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जब बजाने का, आपने देखा होगा, उससे भी ज़्यादा उसने आवाज़ निकाली। इट साउंडेड लाइक अ थंडर, और
एकदम वो ऐसा लगा जैसे कि थंडर की तरह, थंडर मतलब बिजली कड़की, उसको वो ऐसी लगी वो आवाज़ कि बिजली कड़क रही है। सेवन मॉन्स्टर लाइक हिम केम टुवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। उसने क्या देखा कि सेवन मॉन्स्टर जो उस आदमी की तरह जो था ना, वो मॉन्स्टर जो खेत में आया था, वो उसकी तरह सात मॉन्स्टर्स और आ गए और वो क्या कर रहे थे, मतलब जो कॉर्न फील्ड थी उसको रीप करने आ गए, जोतने आ गए। दे कैरिड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी वेरी बिग। और वो जो मॉन्स्टर्स थे ना सातों के सातों, वो एक क्या लाए थे, रीपिंग हुक भी लेके आए थे जो कि बहुत बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, तो वो लोग रीपिंग के लिए आए, रीपिंग मतलब कटाई करना, ठीक है, जो उन खेत होते हैं ना, जो कॉर्न के जो खेत थे उनकी कटाई करने के आ गए। तो व्हेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन, आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। जब एक रीपर मतलब जो एक कटाई करने वाला आदमी था वो मेरे पास आ गया, अप्रोच्ड मतलब मेरे पास आया जहाँ पे मैंने अपने आप को छुपा के रखा था, आई स्क्रीम्ड, स्क्रीम मतलब मैं इतनी तेज़ चीखा जितना मैं चीख सकता था। द क्रीचर स्टॉप्ड रीपिंग, पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोर फिंगर एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज। और जो ये रीपर था ना, ये वाला जो रीपर था, इसने क्या देखा, जैसे उसने देखा उसे चीखते हुए, तो उसने क्या किया, उसने रीपिंग करना स्टॉप कर दिया, रीपिंग ना कटाई करना स्टॉप कर दिया और पिक्ड मी अप और मुझे उठा लिया। कैसे उठाया, उसने थंब और फोर फिंगर से उठा लिया एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज और अपनी आँखों के एकदम पास सामने ले आया, 60 feet अबव द ग्राउंड, और आँखों के पास ले आया, जो उसकी आँखें वो कितना बड़ा था, 60 feet अबव मतलब ग्राउंड से 60 feet अबव, सोचिए देखो कितना ज़्यादा बड़ा होगा वो, मतलब अगर एक इंसान 6 feet का है नॉर्मल इंसान, इसको 10 times कर दो, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे इतना बड़ा 60 feet का आदमी। ठीक है, ही लुक्ड एट मी विद द क्यूरियोसिटी, उसने मेरी तरफ अचंभे की तरफ देखा। क्यूरियोसिटी मतलब कि आप किसी चीज़ को देख के एकदम क्यूरियस हो जाते हैं ना कि हाँ आपको और जाननी है कोई चीज़, तो वही चीज़ एकदम और इंटरेस्टेड सा हो गया एकदम। And blew my hair aside to get a better view of my face. और उसने क्या किया, मेरे जो हेयर थे ना उनको साइड में किया, और क्यों किया, जिससे कि वो मेरा फेस एकदम क्लियर देख पाए। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, और आराम से उसने मुझे ग्राउंड पर रख दिया। They all sat on the ground and take a good look at me. उन्होंने मुझे सब लोग जब मुझे ज़मीन पे नीचे रख दिया तो वो सब भी ज़मीन पे बैठ गए और मुझे बहुत अच्छे से देखने लगे, एकदम अच्छे से आप कोई चीज़ ध्यान से देखते हो ना, इस तरह से मुझे देखने लगे। I walked slowly backward and forward, मैं आगे पीछे होने लगा, चलने लगा। Pulled off my hat, मैंने अपनी हैट उतारी and made a low bow towards the farmer, और थोड़ा सा झुका मैं फार्मर्स के आगे, जैसे सम्मान देने के लिए झुकते हैं ना इस तरह से। देखो गुलिवर उतना ज़्यादा उतने बड़े बड़े लोगों के सामने था, बट फिर भी वो इतना नहीं डरा वहाँ पे, थोड़ा बहुत तो डर उसको लग रहा होगा बट उसने एकदम बहादुरी से उस सिचुएशन का सामना किया। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस, मैंने उन लोगों से एकदम लाउडली बात करने की कोशिश करी। कुछ गुलिवर तो ट्रैवलर था और वो मतलब वॉयजेस करता था अलग अलग जल यात्रा, तो उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती थी, तो उसने अलग अलग लैंग्वेज में उनसे बात करने की कोशिश करी। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु फिक्ड मी अप held his ear very close to me but in vain। हर बार जब भी मैं ऐसे बोल रहा था तो हर बार जो फार्मर था जिसने मुझे उठाया था वो अपना कान मेरे पास तक ले आ रहा था, बट ये सब बिल्कुल कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इस चीज़ का। बट इन वेन मतलब कि सबका सब ये जो सब कुछ कर रहा था वो अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहा था, और वो जो मॉन्स्टर था जो उसने उठाया था उसको सब कुछ किसी बिना किसी फ़ायदे के ऐसे ही सब होता रहा, क्योंकि वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर। जो फार्मर ने क्या किया, मुझको अपने घर ले गया और मुझे कहाँ बिठा दिया, प्लेस मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल पे बिठा दिया एंड विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर, जो कि डाइनिंग टेबल कितना फीट हाई थी, 30 feet हाई थी फ्लोर से। ओके, डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायमीटर। जो डिनर जो आया फार्मर के लिए, वो जो मॉन्स्टर था फार्मर वही, उसके लिए जब डिनर आया तो वो एक ऐसे बर्तन में आया जो कि 10
10 फीट था जिसका डायमीटर, डायमीटर मतलब अगर ये प्लेट है तो इसका जो डायमीटर ये 10 फीट है, तो सोच के देखो कितनी ज़्यादा बड़ी प्लेट थी वो। ओके तो डिश मतलब होता है बर्तन, वो ऐसे बर्तन में आया। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। फार्मर की जो वाइफ थी उसने कुछ ब्रेड को क्रम्बल किया, क्रम्बल मतलब चूरा चूरा कर दिया उसको हाथ से, एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी और मेरे सामने ला के रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। अब डिनर के बीच में मैंने क्या सुनी, एक आवाज़ सुनी मेरे पीछे से। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। ये एक कैट की आवाज़ थी जो कि ऑक्स होता है ना, ऑक्स उससे भी 10 times लार्जर थी। सोचो वो कैट कितनी ज़्यादा बड़ी होगी जो कि ऑक्स से भी इतनी ज़्यादा 10 times बड़ी थी। रिंग मतलब होता है जैसे आवाज़ होती है ना, कभी कभी कैट निकालती हैं घर घर की आवाज़ निकालती हैं मियाओं के अलावा, उसको उस वॉइस को कहा गया है यहाँ पर रिंग। ओके द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। जो फार्मर की बीवी वाइफ थी वो उसको मतलब आराम से सहलाती है, ठीक है। देन एंटर द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। तभी एक उस फार्मर का एक साल का बेटा आया एक लेडी के हाथों में, गोद में लिया हुआ था उस लेडी ने उस फार्मर के बेटे को। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल। और मुझे देखते ही जो चाइल्ड था, बच्चा था, उसने मुझे टेबल से उठा लिया, ग्रैब मतलब एकदम से जकड़ के पकड़ लिया। एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, और मेरा जो हेड था सर अपने माउथ की तरफ ले जाने लगा। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। मैं इतनी तेज चीखा कि बेबी ने मुझे नीचे रख दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। मैंने अपनी गर्दन उस टाइम पर तुड़वा ली होती अगर उसकी जो मदर थी उसने अपना एप्रन नीचे नहीं रखा होता। लेटर बाद में शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। और फिर बाद में क्या किया, उसने मुझे अपने बेड पे लिटा दिया और मुझे अपने क्लीन एकदम जो साफ हैंडकरचीफ था मतलब हैंकी से मुझे मेरे पे उड़ा दिया। और फिर आई स्लेप ड्रीमिंग ऑफ माई होम एंड माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और मैं सपना देखते हुए अपने घर का, अपनी वाइफ का और अपने बच्चे का देखते हुए सो गया। पिक्चर में भी दिखाया गया है जैसे ये लेडी थी, इसके हाथ में ये बेबी था और गुलिवर टेबल पर बैठा हुआ था और इस बच्चे ने उठा लिया, इसे अपने हाथ में ग्रैब कर लिया और वो अपने मुंह में ले जाने वाला था। इस चैप्टर में हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े हैं जैसे बेलोइंग। बेलोइंग मतलब होता है वेरी लाउड नॉइज़, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ एकदम गर्जना सी हो जाए ना। इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स मतलब जो वहाँ के निवासी होते हैं। ऑक्यूपेंट्स मतलब जो वहीं रहते हैं, ऑक्यूपाई करके रहते हैं ना वो ज़मीन, जैसे आपका घर होगा वहाँ के इनहैबिटेंट हो शहर के या उस सिटी के, ठीक है वो हो गए इनहैबिटेंट्स। बैरन मतलब कि बंजर लैंड विद नो वेजिटेशन, जहाँ पे बिल्कुल बंजर ज़मीन हो जहाँ पे कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिश मतलब बिल्कुल अचंभा, ग्रेटली सरप्राइज, एकदम सरप्राइज होकर कि वही चीज़ आपको देखना, ठीक है। क्रम्बल्ड मतलब ब्रोकन इंटू पीसेस, कोई चीज़ जैसे आपने टुकड़ों टुकड़ों में कर दी तो उसको कहेंगे हम क्रम्बल्ड। ग्रैब आप कोई चीज़ अचानक से उठा लो तो आपको हो गया हमने ग्रैब किया, या आई पिक सडनली कोई चीज़ अचानक से उठाना।